माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ भाई, डेली जब हमारी आँख खुलती है ना, तो उसमें आज मेरी स्टॉक पोजीशन क्या है, सबसे पहले वो मैसेज मैं देखता हूँ। और उसमें ना केवल पेट्रोल बल्कि उसके अलावा डीजल, एलपीजी, केरोसिन, या हमारा जो अनाज उसकी हमारी क्या स्थिति है, पावर की क्या स्थिति है, कितने ट्रांसफार्मर एक दिन में बदल दिए गए हैं, कितने ट्रांसफार्मर अभी भी ख़राब है, तो उसको सुबह सुबह सबसे पहले वही मैसेज देख के एनालिसिस होती है। तो इसकी डेली बेसिस पे मैं आपसे कहता हूँ मॉनिटरिंग होती है। ये आपको पता है कि नेशनल वाइड स्ट्राइक जो कॉल की गई थी, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ हुआ है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है। मेरी वैली में आज की डेट में डिपोज में 21 डेज डीजल अवेलेबल है, 24 डेज पेट्रोल अवेलेबल है, 21 डेज से ज़्यादा मेरे पास एलपीजी सारी अवेलेबल है। इन्होंने स्ट्राइक 3 दिन के लिए कॉल की थी, आज दूसरा दिन है, कल जो इन्होंने, अगर गोइंग बाय देयर वर्ड्स, कल वो तीसरा दिन होगा। फिर भी वी आई एम मॉनिटरिंग विद द कंसर्न, जितने भी हमारे IOC, HPCL, BPCL के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ अभी भी अभी मैंने मीटिंग की है। साथ में उसको ये भी हमने देखा है कि अभी क्या स्थिति है, पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हम जो नेसेसरी जो डिपोज पे अगर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा तो उस पे भी हम बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। अगर मुझे लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि अब इतने सहन करने से ज़्यादा हो गया है, तो फिर वी है बाउंड टू टेक एक्शन। हम अपने लोगों को सफ़र तो नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ सर्दी, आप पता है, चिल्ले कलान का समय चल रहा है, डीजल, ये डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे हैं, सारी फोर्सेस है, तो उसमें हम इतना ज़्यादा हम रिस्क तो नहीं लेंगे। हालांकि आपके माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि द मैसेज दे वॉन्टेड टू गिव वो उन्होंने अपना दे दिया है, सो नाउ इट्स अ हाई टाइम टू सन देयर स्ट्राइक एंड कम बैक टू द वर्क। और इसमें एज आई एम सेइंग, लोगों को बताने कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, देर इज इनफ मटीरियल अवेलेबल थ्रू यू, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा अवेलेबल है, घबराइए मत, आराम से आपको मिल जाएगा। स्ट्राइक कल शाम तो इसका एंड है ही, बट हम उससे पहले भी ट्राई कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ रिलीफ दे पाएँ, सो दे हैव टू जस्ट बी बियर विद अस।